रेड क्रॉस नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली से रेड क्रॉस सोसाइटी आरा को ब्लड कलेक्शन बस अनुदानित की गई है, जिसे महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत भोजपुर जिला इकाई के सचिव डॉक्टर विभा कुमारी सचिव को चाबी एवं समस्त कागजात सौंपा गया, जिसे विभा कुमारी रेड क्रॉस आरा ने अपने प्रेसिडेंट सह जिला अधिकारी महोदय को जनपद के पीड़ित मानवता की सेवा में हस्तगत किया है। सचिव द्वारा बताया गया कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस फेडरेशन की तरफ से नेशनल हेडक्वार्टर को कुल 22 ब्लड कलेक्शन बस प्रदान की गई, जिसमें से 3 बिहार को दी गई है। पहला जिला बिहार का भोजपुर आरा है, दूसरा समस्तीपुर, तीसरा सीतामढ़ी है। सचिव ने यह भी बताया कि यह बस पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें रक्तदान के लिए 3 ब्लड डोनेशन चेयर लगे हुए हैं, ट्यूब सीलर, ब्लड कलेक्शन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन्वर्टर जनरेटर, प्रोजेक्टर, म्यूजिक सिस्टम, टीवी प्रोजेक्टर, कॉफ़ी मशीन। कुल मिलाकर पूरी की पूरी बस में ऐसी हर छोटी बड़ी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है जो रक्तदाताओं के लिए सहयोगी हो। कुल मिलाकर यह एक मिनी ब्लड बैंक ही है। आने वाले समय में भोजपुर जिले में रक्तदान कराने में यह बस बहुत ही हमें सहायक साबित होगा। हाईटेक सुविधाओं से लैस है। देखिए, ये अति आधुनिक जो ब्लड बैंक है, चलता फिरता ब्लड बैंक हम लोग एक तरह से बस प्राप्त हुआ है हेडक्वार्टर रेड क्रॉस के द्वारा भोजपुर को, और से महामहिम ने हमारे जिला के विभागी को प्रतिनिधि के रूप में हैंड ओवर किया है। मुझे खुशी है कि जिले को ये प्राप्त हुआ है, और अब हमारे कोई भी गांव या कस्बे में भी हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ब्लड डोनर बेड है। उसके अलावा जो ब्लड को स्टोरेज के लिए फ्रीजर है, उसके अलावा उसको सीलर है, उसके अलावा जो लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने आएंगे उनके लिए इंटरटेनमेंट के लिए टीवी की व्यवस्था है, म्यूजिक सिस्टम है, उसके अलावा डॉक्टर्स के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही साथ हम अगर कहीं बाहर इस वैन को लेके जाते हैं बस को, तो वहाँ पे लोगों के बीच ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हमारे पास प्रोजेक्टर भी है, और आप देख रहे हैं कि इसमें सब कुछ वो है जो एक ब्लड डोनेशन कैंप के लिए ज़रूरत होती है। पूरी तरह वातानुकूलित है ये बस, और हम किसी भी गांव कस्बे में अब रेड क्रॉस अपना ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर सकता है। ये इस ज़िले के लिए एक उपलब्धि है। हम ब्लड बैंक और रेड क्रॉस दोनों के सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हैं, और इस ज़िले के लोगों को बधाई देते हैं कि ज़िले के युवा जो ब्लड डोनेशन के लिए उनको यहाँ ज़िला में आना पड़ता था, अब हम उनके पास पहुँचेंगे और उससे हमारा ब्लड बैंक की में ब्लड की संख्या बढ़ेगी, जिससे यहाँ के रोगियों को अल्टीमेटली फायदा होगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भोजपुर का एक बहुत ही उज्ज्वल दिन है, क्योंकि हम लोगों के कार्यक्रम को देख कर, कार्यकलाप को देख करके हमारे दिल्ली के जो रेड क्रॉस के हैं, उन्होंने हम लोगों को एक इसी बस जो है, जो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सुविधा है, जा के दूसरे दूर सुदूर जा के इसमें लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, ये प्रदान किया गया है। इससे हम लोगों को बहुत खुशी है। हम समझते हैं यहाँ के कार्यशैली से लोग काफ़ी प्रभावित हैं, और इसी वजह से यहाँ हर चीज़ ठीक से हो रहा है। ये पिछले 18 सालों का सपना पूरा हुआ है। मुझे याद है, तब मैं वॉलंटियर थी, और 2004 में जब पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था तत्कालीन सचिव श्री पद्मराज कुमार जैन ने, तो हमारे पास महावीर कैंसर संस्थान से ऐसी ही बहन आई थी, और हमारी पूरी टीम ने यह सपना देखा था कि हमारा जब कभी अपना ब्लड बैंक होगा तो शायद ये बहन हमारे पास भी रहे। ये 18-19 सालों की मेहनत का आज ये नतीजा है, और ये बहन हमें मिली है इंटरनेशनल रेड क्रॉस फेडरेशन की तरफ से, भारत को दिया गया नेशनल हेडक्वार्टर को इंडिया में, और उसने कुल 22 बस डिस्ट्रीब्यूट किए पूरे देश में, जिसमें 3 बसेज बिहार के लिए आई है, पहला भोजपुर के लिए, दूसरा समस्तीपुर के लिए, और तीसरा सीतामढ़ी के लिए।
और हम लोगों को फील्ड में अब ब्लड डोनेशन कराने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी।